आदित्य कार से अपने कॉलेज जा रहा था। उसके दिमाग में नए कॉलेज को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। तभी उसके मोबाइल पर दीदी का कॉल आया। आदित्य, आज तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन है, नए दोस्त बनाना और मस्त जिंदगी की शुरुआत करना। हाँ दीदी, आप बेफिक्र रहिए। उस किताब को फिर से हाथ तक नहीं लगाना, समझ गए? हाँ दीदी, नहीं लगाऊंगा। आदित्य कॉलेज पहुँचा। हर नए स्टूडेंट की तरह उसे भी डर था कि कहीं उसकी रैगिंग ना हो जाए। तभी एक लड़की उसके सामने आ गई। हाय, मेरा नाम सलोनी है, एंड यू? मेरा नाम आदित्य है, आप सीनियर है ना? हाँ, लेकिन डरो नहीं, हम यहाँ जूनियर्स की रैगिंग नहीं करते। ये सुनकर आदित्य को बहुत अच्छा लगा। सलोनी पूरे दिन आदित्य के साथ ही रही। आदित्य को लगा कि उसे किसी और से दोस्ती करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सलोनी जो अब उसके साथ है। आदित्य, काफी दिन हो गए हमको साथ घूमते घूमते, तुम्हें समझ नहीं आता क्या कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? हे, मुझे अब लग रहा है कि तुम मेरी रैगिंग कर रही हो। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं कल कॉलेज में सबके सामने तुम्हें प्रपोज करूंगी और तुम्हें किस भी करूंगी, तब तुमको समझ आएगा। ये सुनकर आदित्य हैरान रह गया। अगले दिन कॉलेज कैंटीन में काफी भीड़ जमा थी। हेलो गाइस, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज? मुझे आदित्य से प्यार हो गया है, लेकिन इसको मेरी बात पर भरोसा नहीं है। इसे लगता है कि मैं इसकी रैगिंग कर रही हूँ। तभी सलोनी ने राहुल के टेबल पर रखा फूल उठाकर, आदित्य, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, आई लव यू। आदित्य ने फूल उसके हाथ से ले लिया। अब मैं आदित्य को किस करने जा रही हूँ। ये सुनते ही आदित्य के चेहरे पर मुस्कान छलक आई। आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी सलोनी ने पप्पी उठाया और आदित्य के चेहरे से मिला दिया। सभी लोग उसका मजाक बना रहे थे कि उसने एक पप्पी को किस किया। सलोनी भी राहुल और बाकी स्टूडेंट्स के साथ खड़ी उस पर हंस रही थी। इसे कहते हैं असली रैगिंग। तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझसे प्यार करने लगूंगी? ये है मेरा असली लवर राहुल। ये देख आदित्य वहाँ से चला गया। उसे बहुत इंसल्टिंग फील हो रहा था। स्टूडेंट्स के हंसने की आवाजें उसके कानों में गूंज रही थी। उसने कबर्ड खोला और उसमें से काली किताब निकाली। उसने कमरे की लाइट्स बंद की और फिर उस किताब को पढ़ने लगा। इस बार मेरी बर्थडे पार्टी सबसे ज्यादा मेमोरेबल होने वाली है। सलोनी केक काटने ही वाली थी कि तभी उसे बहुत भयानक आवाज सुनाई दी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. कौन है? कौन गिनाना मजाक कर रहा है? तभी फिर से आवाज आई और उन्होंने देखा कि खिड़की पर एक बहुत भयानक हाथ हिल रहा था। हाथ किसका है ये नजर नहीं आ रहा था। Happy birthday to you. Happy birthday to you. हाथ क्या दिखाता है, सामने आना, इसकी तो मैं। ऐसा कहकर राहुल झुंझलाता हुआ खिड़की की तरफ बढ़ा और उसने हाथ पकड़ा। साले सामने आ, और खींचा तो केवल हाथ उसके हाथ में आया। सभी कटा हाथ देखकर चीख पड़े और राहुल ने भी उसे जमीन पर फेंक दिया। चलो यहाँ से निकलो। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक बेहद ही भयानक लाल आंखों वाला आदमी सामने खड़ा था। उसका एक हाथ टूटा हुआ था। उस आदमी ने राहुल के बाल पकड़कर उसे उठाया। रैगिंग करना अच्छी बात नहीं है, उसे बहुत तकलीफ दी है तुमने, अब होगा असली सेलिब्रेशन। ऐसा कहकर वो राहुल को घसीटकर केक के पास ले गया। फिर उसने छुरी उठाई। हैप्पी बर्थडे टू यू। फिर उसने राहुल के पेट के अंदर वही छुरी घोंप दी, जिसे देखकर बाकी तीनों की चीखें निकल गई। अरे, सभी डर गए, अभी तो असली सीन बाकी है, आ जाओ प्यारे पक्षियों। उसके ऐसा कहते ही कई चमगादड़ अंदर आ गए और राहुल के शरीर पर चिपक गए। सलोनी, प्रीति और प्रेम तीनों के डर का अब कोई ठिकाना नहीं था। प्रीति, जल्दी से मेरे पीछे आओ। प्रेम और प्रीति कार में बैठ गए।
सलोनी, तुम्हारे लिए कार में कोई जगह नहीं। तुमने उसकी रैगिंग की थी। हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है। ऐसा कहकर प्रेम ने कार आगे बढ़ा दी। अब सलोनी पैदल ही वहां से ऐसे भागी कि अपने घर पर आकर ही रुकी। घर में घुसी और कमरे में बेड पर जाकर बैठी। वो डर से थर थर कांप रही थी। सलोनी, सलोनी, उसे वही भयानक आवाज सुनाई दी। मुझे छोड़ दो। घबराओ नहीं सलोनी, मैं आदित्य के हुक्म के बिना कुछ नहीं कर सकता। अगर वो कहेगा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझसे गलती हो गई, मुझे आदित्य के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर अपनी जिंदगी चाहती हो तो मना लो उसे। हो सकता है वो मुझे मेरी दुनिया में वापस भेज दे। सलोनी ने आंखें बंद की और बहुत जोरों से चिल्लाई। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली तो सब कुछ शांत था। वो अपने घर से निकली और बहुत ही तेजी के साथ आदित्य के घर पहुंची। आदित्य बेड पर बैठा हुआ शैतानी अंदाज में उसे स्माइल पास कर रहा था। मुझे माफ कर दो आदित्य, माफ कर दो मुझे। कौन है वो जिसे तुमने मेरे पीछे लगाया है? उसने तो राहुल को भी खत्म कर दिया है और मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं बचपन से ही बहुत गुस्से वाला लड़का था। मेरे एरिया में लड़के मुझे बहुत परेशान करते थे। उनकी शैतानी से परेशान आकर मैंने काला जादू सीखा और इस किताब की मदद से उनको अच्छा सबक सिखाया। जब इसकी खबर मेरी दीदी को चली तो उन्होंने मुझे वहां से इस शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। लेकिन मैंने उनसे वादा किया था कि मैं इस किताब का इस्तेमाल कभी नहीं करूंगा और करता भी नहीं। लेकिन तुमने मेरी रैगिंग करके मुझे मजबूर कर दिया। फिर मैंने उस प्रेत को बुलाया और तुम दोनों के पीछे लगा दिया। ये सुनकर सलोनी के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने आदित्य से बहुत मिन्नतें की लेकिन वो शैतानी अंदाज में हंसता रहा। सलोनी अपने घर वापस चली गई लेकिन अब वो प्रेत हर जगह सलोनी को नजर आने लगा। आखिरकार उसने एक फैसला लिया। एक दिन कैंटीन में काफी भीड़ थी। हेलो गाइस, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। सभी उसकी तरफ देखने लगे। कुछ दिन पहले मैंने आदित्य को प्रपोज करके उसका मजाक बनाया था, उसकी रैगिंग की थी, लेकिन अभी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये सुनकर आदित्य ने उसकी तरफ देखा। वो आदित्य के सामने आई और बोली, मुझे माफ कर दो आदित्य, मैं असल में तुमसे प्यार करने लगी हूँ। आई लव यू आदित्य। सभी स्टूडेंट्स ये देखकर हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक सलोनी में इतना चेंज कैसे आ गया। इस पर आदित्य ने भी जवाब दिया, आई लव यू माई जान। फिर सलोनी आदित्य के साथ उसके घर पर आ गई। आदित्य, अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना? आई लव यू माई जान। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे के बाहर वो भयानक प्रेत खड़ा हंस रहा था। आई लव यू कहा है, निभाना तो पड़ेगा ही। एक कॉलेज में तीन दोस्त पढ़ते थे, आकाश, आयुष और महेश। तीनों ही हॉस्टल में रहते थे। आयुष का हॉस्टल दूर और अलग था। महेश, आयुष को फोन करो और फिल्म देखने चलते हैं। आयुष कैसे हो? ठीक हूँ यार, आकाश और मैं मूवी का प्लान कर रहे हैं, तू भी आ जा यार। हाँ हाँ बिल्कुल आ जाऊंगा, पिछली बार मैंने फिल्म दिखाया था, इस बार तेरी बारी है। हाँ भाई याद है मुझे। सुन, रात के 9 से 12 का शो देखेंगे। ओके ठीक है। तीनों ने सिनेमा देखने का प्लान बनाया रात के 9 बजे से 12 बजे। तीनों ने जल्दी ही खाना खाया और सिनेमा देखने निकल गए। फिल्म 2 गज जमीन के नीचे भूत वाली हॉरर फिल्म थी। फिल्म देखकर तीनों दोस्त मजे से निकले और हाथ वाला रिक्शा लिया। रिक्शा वाला रिक्शा चलाते हुए जा रहा था, उस पर तीनों दोस्त बैठे हुए थे। आकाश और महेश का हॉस्टल पास में ही है, आयुष दूर के हॉस्टल में रहता है। रिक्शा रोक दो, हम दोनों यहीं उतरेंगे। चल आयुष संभाल कर जाना, बाय बाय, कल मिलते हैं कॉलेज में, बाय गुड नाइट। दोनों दोस्त उतर कर चले गए। आयुष भी रिक्शे से उतर कर कब्रिस्तान के पास सुसु करने लगा। उसके पास में ही उसकी नजर गई
और वो डर गया। वहाँ पर एक दुल्हन का हाथ कटा हुआ था जो कि ढेर सारे सेवर, चूड़ियाँ, सोने के कंगन से भरा हुआ था। आयुष डर कर रिक्शे की तरफ भागा और रिक्शे में बैठ गया। उसके दोनों दोस्त जा चुके थे। रिक्शे वाले को बोला, भैया रिक्शा जरा तेजी से भगाओ, मुझे जल्दी से हॉस्टल पहुँचना है। सर क्या हुआ, आप बहुत घबराए हुए लग रहे हो। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यूं ही जल्दी जाना चाहता हूँ। रात बहुत हो गई है, सुनसान रोड पर हम दोनों ही अकेले हैं। जिस तरह से आप भागकर आए और चेहरे पर घबराहट है, उसे पता चलता है कुछ जरूर बात है। आप क्यों डरे हो बताइए, किसी तरह की बात होगी तो मैं आपकी मदद करूंगा। भैया बस इतनी मदद कीजिए कि मुझे जल्दी से हॉस्टल पहुंचा दीजिए। देखिए डरने की कोई बात नहीं है, आप मुझे बता सकते हैं और जब तक हम लोग धीरे धीरे पहुंच ही जाएंगे। रिक्शा धीरे धीरे आगे जा रहा था। आयुष ने रिक्शे वाले को वो हाथ वाली बात बता दी। आयुष आधे रास्ते पहुंचा होगा तभी रिक्शे वाले ने ब्रेक लगा दिया। भैया रिक्शा क्यों रोक दिए, क्या हो गया? कुछ नहीं, एक मिनट आप नीचे आ जाइए। लेकिन हुआ क्या? बस कुछ नहीं, आप एक मिनट के लिए उतरिए, सीट के नीचे से कुछ सामान निकालना है। आयुष को कुछ नहीं सूझ रहा था, डर के मारे परेशान था और ऊपर से ये रिक्शा वाला भी कुछ अजीब सी हरकत कर रहा था। आयुष ना चाहते हुए भी रिक्शे के नीचे उतर गया। आयुष ने मोबाइल देखा, रात के 12:30 बज रहे थे। उसने देखा रिक्शे वाले ने सीट हटाया, उसके नीचे से एक बॉक्स निकला और उसे खोलकर आयुष से बोला, भैया जरा इसको देखो। आयुष नजदीक आकर बॉक्स को देखता है और डर जाता है, डर से उसकी चीख निकल जाती है। क्या ये वही हाथ है जो तुमने देखा था? रिक्शे वाले की आवाज गूंज रही है चुड़ैल की तरह। आयुष ने देखा और वो तेजी से अपने हॉस्टल की तरफ दौड़ा। बहुत तेजी से दौड़ते हुए वो हॉस्टल पहुंचा। हॉस्टल के गेट पर वॉचमैन बैठा है। क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हो? वॉचमैन पहले गेट खोलो। हाँ हाँ मैं गेट खोल दूंगा, लेकिन आप क्यों परेशान हैं? वॉचमैन ने दरवाजा खोल दिया और आयुष अंदर आया। वॉचमैन ने आयुष को एक ग्लास पानी दिया। आप मुझे अच्छे से जानते हो, मैं 2 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, आप मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, कृपया बताइए। आयुष ने सोचा गेट बंद हो चुका है, अब वो पूरी तरह सुरक्षित है, इसलिए वॉचमैन को बताना शुरू किया। मूवी देखने के बाद एक रिक्शा लिया, मुझे जोर से पेशाब लगी, रिक्शे से उतरकर एक जगह पर मैंने पेशाब किया। वहाँ पर एक दुल्हन का हाथ था जो कि कटा हुआ था, मेहंदी लगी हुई, सोने चांदी से सोने के गहनों से भरा हुआ वो हाथ मुझे दिखाई दिया। उसके बाद रिक्शे वाले को मैंने ये बताया, रिक्शे वाले के पास भी सेम वही हाथ दिखाई दिया, इसीलिए मैं भागा भागा जल्दी से हॉस्टल आया, क्योंकि वो लोग भूत हैं, बस इतनी सी बात है। ओके कोई बात नहीं, आप जाइए आराम कीजिए। आयुष जाने लगता है तभी वॉचमैन पीछे से बोलता है, जरा एक मिनट इधर देखिए। आयुष पलट कर देखता है, वॉचमैन के हाथ में वही हाथ है जो कि दुल्हन का कटा हुआ हाथ था। क्या यही हाथ था? आयुष हॉस्टल के अंदर में न जाकर बाहर की तरफ भागा और एक नाली में जाकर गिर गया। आयुष की आंख खुली तो देखा कि वो एक हॉस्पिटल में है, उसके आसपास उसके मम्मी पापा भी हैं। डॉक्टर अंदर आया, उसके साथ एक नर्स भी थी जो कि हाथ में ट्रे लिए हुए है, ट्रे कपड़े से ढका हुआ है। कृपया आप लोग बाहर जाइए। आयुष का चेकअप डॉक्टर ने किया। आप बिल्कुल ठीक हो, बस कमजोरी सी है, लेकिन आपके चेहरे पर इतना पीलापन क्यों है, क्या हुआ है आपके साथ? जब आपको यहाँ लाया गया था तो आप पूरी तरह से कीचड़ में भरे हुए थे, आखिर ऐसी क्या बात हुई थी? मुझे वो हाथ से डर लगता है, दुल्हन का हाथ। आयुष ने डॉक्टर को वो सारी बात बताई जो पिछली रात उसके साथ घटी। डॉक्टर ने नर्स की तरफ इशारा किया, नर्स आ गई ट्रे के ऊपर से कपड़ा हटाते हुए। क्या ये वही हाथ है, जरा देखिए तो। आयुष ने देखा और वो बेहोश हो गया। अचानक से दोनों डॉक्टर और नर्स गायब हो गए। महीने बाद उसके माँ बाप आयुष को लेकर परेशान हैं। वो पागल सा हो गया है। तभी आयुष का मामा एक साधु को लेकर उसके घर आता है। साधु ने आयुष को देखा, इस पर चुड़ैल का साया है जो इसे जान से मारना चाहती है।
साधु की बात सुनकर आयुष के माँ बाप डर जाते हैं। आखिर क्या वजह है और इसका इलाज क्या है? इलाज तो है, इसके लिए हवन करना पड़ेगा, जिससे पता चलेगा कि इसके पीछे कौन है और किस वजह से है। साधु ने हवन किया और चुड़ैल से बात की। आखिर वो आयुष के ऊपर क्यों है? इसने मेरे कब्र के ऊपर पेशाब कर दिया। एक तो मैं शादी के दिन ही मर गई और ऊपर से इसने मुझ पर पेशाब कर दिया। अब मैं इसे मारकर इससे शादी रचा लूंगी और फिर हम दोनों सातों जन्म तक साथ रहेंगे। ऐसा हरगिज नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये नादान है, इसे माफ कर दो और छोड़ दो, वरना तुम्हारी आत्मा को मैं बोतल में कैद कर लूंगा। मैं माफी वाफी कुछ नहीं जानती, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। फिर साधु ने उससे बहस करना ठीक नहीं समझा और अपने मंत्र के बल पर उसे अपने कब्जे में ले लिया और बोतल में बंद कर दिया। इसके बाद जिस जगह पर आयुष ने रात में पेशाब किया था, वहाँ साधु के साथ जाकर उसने फूल मालाएं चढ़ाई और अगरबत्ती से पूजा पाठ की। तब से आयुष अब ठीक है। यत्र तत्र सर्वत्र मूत्र विसर्जन ना करें। धन्यवाद।